आज मेरे चैनल में बनेगा घेवर, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। घेवर बिगनर्स भी बना लेंगे क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से घेवर बनाया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हलवाइयों जैसा जालीदार घेवर कैसे बनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन करेगा घेवर बनाने का। नमस्कार, मेरे चैनल खान पान विद वंदना परगना में आप सभी का स्वागत है। सावन सावन सुनते ही घेवर ध्यान में आता है, तो आज बैठे बैठे मुझे भी मन किया आज मैं घेवर बनाऊं, वो भी घर में रखी हुई चीज़ों से। इतनी आसानी से और इतना टेस्टी बनता है कि आप भी एक बार रेसिपी देखेंगे ना तो तुरंत बनाने का मन करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 3 चम्मच घी लेंगे, साथ में बर्फ लेंगे। बर्फ को घी में अच्छे से फेंटेंगे, यह प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। कब तक फेंटना है? जब तक कि घी जम ना जाए और घी का रंग सफ़ेद हो जाएगा, कुछ इस तरह से। बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाएगा, यहीं पर थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा मैदा लेंगे और मिक्स करेंगे। ध्यान रहे गांठ ना बने। आखिर में बचे हुए मैदा को भी मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, और मैदा घी के मिश्रण को पतला करना शुरू करेंगे। अब मिक्सी की सहायता से पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर छन्नी से छान भी सकते हैं। देखिए फाइन घोल तैयार हो गया है। यहाँ पर बारी आती है ठंडा पानी डालने की। ठंडा पानी कितना डालना है ये दिमाग में आता है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। घेवर के लिए ये घोल तैयार है। इस घोल को हमें ठंडा रखना है, तो एक बड़े बोल में बर्फ के क्यूब्स डालकर इस मिश्रण को रखेंगे। मिश्रण को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है रबड़ी बनाने की। एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे और लगभग 200 ml दूध डालेंगे। उबाल आने पर मेरे पास घर में इकट्ठा की हुई 1 कप मलाई है, उसे डाल देंगे। वैसे आप सिर्फ दूध से भी रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुझे इस तरह से रबड़ी बनाना अच्छा लगता है क्योंकि मलाई पहले से ही गाढ़ा होता है और रबड़ी बहुत जल्दी बन जाती है। यहीं पर चीनी भी ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा इलायची पाउडर। देखिए कितनी जल्दी रबड़ी गाढ़ी हो गई है। रबड़ी तैयार है। अब बारी है चाशनी बनाने की। एक कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी और 1/4 कटोरी पानी डालकर चाशनी तैयार करेंगे। चीनी धीरे धीरे घुल रही है। और उबाल आने पर चेक करते रहेंगे। हमें एक टायर की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है। इस तरह से चेक कर लेंगे। अभी तैयार नहीं हुई है, थोड़ा और पका लेंगे। हाँ, अब चाशनी बिल्कुल तैयार है। देखिए इस तरीके से थोड़ी चिपचिपी रहनी चाहिए।
और अब घेवर का बेस बनाएंगे। एक पतीला लेंगे, उसमें आधा पतीला से थोड़ा कम तेल लेंगे। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। अच्छे से गर्म होने पर अब जो मैदा का मिश्रण है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करेंगे। एक बार में लगभग एक चम्मच करीब डालेंगे। साथ ही मिश्रण को काफ़ी ऊपर से डालना है। मैं करछी में से लगभग चौथाई करछी मिश्रण डाल रही हूँ। ऊपर से डालने पर मिश्रण नीचे नहीं बैठेगा, साथ ही यदि एक बार में मिश्रण डालेंगे तो मिश्रण नीचे बैठ जाएगा। मैंने नॉनस्टिक बर्तन नहीं लिया है, सिंपल स्टील का पतीला है। आप भी इस तरह के बर्तन में बना सकते हैं। सावधानी पूर्वक बनाना है। मिश्रण डालते समय तेज आंच होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालना है। यहीं पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि जब तेल में बुलबुले उठने बंद हो जाएं तभी मिश्रण डालें, वरना तेल ऊपर आ जाएगा। जब आप 5-6 बार मिश्रण डाल लें तब चाकू की सहायता से चारों तरफ चेक करें। इस तरीके से, और लकड़ी के लंबे डंडी की सहायता से घेवर में होल कर लें ताकि निकालने में आसानी हो जाए। जब 10-12 बार आप मिश्रण डाल लेंगे तो आपको चेक कर लेना है घेवर कितना मोटा हो गया, कितना मोटा घेवर आपको निकालना है। देखिए घेवर तैयार है। इसमें तेल बहुत होता है तो अच्छे से तेल निकालने के बाद किसी जालीदार बर्तन या स्टैंड में घेवर को रख देंगे। इसी तरह से बाकी के घेवर भी तैयार कर लेंगे। 1 कप मैदा से 3 घेवर बनते हैं। चाशनी में मैं थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल लूँगी। और मिलाने के बाद घेवर को जब खाना होगा तभी उसमें ये चाशनी डालेंगे। और रबड़ी को भी डालेंगे। पहले से ही अगर हम ये सब डाल कर रख देंगे तो घेवर नरम हो जाएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए जब भी खाना हो उसी समय तुरंत चाशनी और मलाई डालेंगे। इस तरीके से गार्निश करेंगे। रबड़ी को इस तरीके से पूरे घेवर के ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद आपको जिस तरीके से भी गार्निश करना है, मैं यहाँ पर बादाम से गार्निश कर रही हूँ। बादाम के 2 टुकड़े कर लिए हैं और थोड़े से कट कर लिए हैं, उनको ऊपर डाल दूँगी। और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हैं, वो भी डालने से सुंदर लगते हैं। देखिए लीजिए घेवर तैयार। मैंने बनाना कितना आसान। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिए। अगली रेसिपी के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।